आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरन पोली। मैंने इस वाटी से 3 वाटी चना दाल लिया है, उसको बॉईल कर लिया है। मैंने दाल को 8 से 10 सीटी में बॉईल किया है। ये देखिए दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है। अब हम पूरन को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ली है और नीचे आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दाल डालेंगे। इसमें अभी गुड़ मिक्स कर रही हूँ मैं, अच्छे से मिक्स कर लें। और आप किसी ग्लास की मदद से ऐसे निकाल सकते हो पूरा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमें पूरा पूरन निकाल लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से निकाल लीजिए पूरा। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और हम इसमें डालेंगे पूरन। अब हम इसमें पूरन डालेंगे। और एक 5 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे या फिर भून लेंगे। पूरन ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी हमें एकदम रखनी है। 1 और 2 मिनट में इसको भून लूंगी। पूरन रेडी हो चुका है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरी तरह से इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने से पहले मैं इसमें ऐड करूंगी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से अच्छा टेस्ट और अच्छा फ्लेवर आता है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरन भूनने के टाइम हम इलायची पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि उससे टेस्ट चला जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे ठंडा होने देंगे। पूरन हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम आटे का डो बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, इससे अच्छा कलर आएगा। और नमक स्वाद अनुसार। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं दोस्तों, वो भी ऑप्शनल है। ये देखिए डो मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। पूरन भी हमारा ठंडा हो चुका है, पूरन के भी हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे मैंने सब पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक करके पूरन पोली बनाएंगे। इसे थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमें पैक कर देना है।
ऐसे ही थोड़ा हाथों से स्प्रेड कर लीजिए और इसके बाद आप बेलन लगाइए। और बेलन लगाते समय एकदम हल्के हाथों से बेलना है। ज्यादा पतला नहीं बेलना है क्योंकि पूरन बाहर आ सकता है। मैंने पूरन पुली पे घी अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको पैन पे डालेंगे। ये देखिए पूरन पोली कितनी अच्छे से फूल गई है। कितनी अच्छी पूरन पोली फूल गई है। ये देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है हमारी पूरन पोली। ये जा रही हूँ चना दाल आमटी। चना दाल आमटी बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं ओनियन। ये दो मीडियम साइज के ओनियन हैं। ये मैंने गैस पे भून के ले लिए। इसका थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया इसको। धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये है टोमेटो और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसको भी मैंने तवे पे थोड़ा फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने इसका पेस्ट बनाया है। ये है चना दाल का पेस्ट है, पेस्ट बोल सकते हैं चना दाल को। इसमें पानी डाल के मैंने पतला किया है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। गैस पे तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से भून लेंगे। एक दो मिनट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओनियन। ओनियन को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक दो मिनट तक। ओनियन फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं टोमेटो और ग्रीन चिली का पेस्ट और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर रही हूँ काला मसाला। काला मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी आता है आमटी में। अच्छे से मिक्स कर लें। आमटी जो है चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट तेल छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। एक दो मिनट तक और फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे हमारा चना दाल जो हमने बनाया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसे हम थोड़ा पतला करेंगे, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी में डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और एक 5 मिनट तक हम आमटी को उबाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दें। जा रही हूँ दूध की मीठी आमटी, इसके लिए सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून घी और ऐड करूँगी। दूध जो है मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची, या फिर आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं कूट। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 इलायची, साथ ही मैं इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। अब मैं ऐड करूंगी इसमें मिल्क। एक 5 मिनट इसको हम बॉईल होने देंगे और बंद कर देंगे गैस को। इसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं, बट हम पूरन ऑलरेडी मीठा बना रहे हैं तो इसमें शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर। मैं थोड़ा सा घी ऐड करूंगी पैन में। एक दो इलायची भी ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। मिल्क मेरा पहले से ही गर्म किया हुआ है दोस्तों। दूध यहाँ पे ऑलरेडी बॉईल है, इसमें मैं डालूंगी पतली सेव लिया है मैंने, थोड़े से पतले सेव मैं इसमें डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर। शुगर हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हम दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। इस दूध को कवर करके हम 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। खीर मेरी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास अभी के लिए बादाम अवेलेबल है, आप इसमें काजू पिस्ता आप डाल सकते हो और आप इसे तोड़कर भी डाल सकते हो। मैं इसमें पूरा एक 2 मिनट तक और गाढ़ी कर लेंगे खीर को। थोड़ा सा गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता है, पतला खीर खाने में टेस्टी लगता है। खीर भी रेडी हो चुकी है। आइए अब हम इसे सब सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। थाली मेरी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।